भी बता यार, ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है क्या? अब तो नहीं है, अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये सब करना चाहिए। ऑफकोर्स ये मम्मी पापा के करने की चीज़ है, तभी तो हम लोग यहाँ पर हैं। वो मम्मी पापा तभी बने जब ये सब किया। मम्मी पापा की करने की चीज़ है, लेकिन प्रोटेक्शन तो यूज़ करें वो। ये थोड़ा कि प्रेग्नेंट होकर बैठ जाएंगे, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी ना फिर। बट एक ऐसी एज में इनके लिए करना थोड़ा अलग है। जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, वैसे पेरेंट्स की भी हो सकती है, उनकी भी ह्यूमन नीड है। हाँ, आई थिंक दैट्स नॉट रिलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड टू एनी काइंड ऑफ एज। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गलत है, बिकॉज इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। वो भी रिलेशनशिप में आकर आई ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज द अदर साइड आल्सो ना, कि मम्मी पापा थिंक भी बच्चों के करने की चीज़ है। माई फादर इज क्वाइट लविड अभी, वो बहुत हमेशा मम्मी को जाके करेंगे, यू नो, ही ट्राई एंड हग हर, बट ही ऑलवेज पुश हिम अवे, बच्चे हैं क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। तुम्हें लड़ाई होते लेकिन ऐसे मूड में कभी कैच नहीं करा। मेरे पापा तो बिल्कुल अनरोमांटिक है, ठीक है, मम्मी बात नहीं करती। आई नो व्हेन दे आर हैविंग सेक्स एंड व्हेन दे आर नॉट फ्रॉम वेरी यंग एज, या पता लग जाता था। होगा अभी तो पता नहीं चलता। आई वोंट कमेंट ऑन दैट। दे वुड वांट प्राइवेसी, दे वुड अलाउ अस टू प्ले वीडियो गेम्स फॉर होल नाइट, सो वी नो दैट नाइट। मेरे पेरेंट्स से कभी ऐसे सेक्स से रिलेटेड इशू पे बात नहीं हुई है। कि टीवी में कुछ आ रहा हो तो एकदम से चैनल चेंज कर देते हैं, तो वो वाला सीन कभी कभी हो जाता है। नहीं, पिटना है क्या? कभी इशू आ जाता है सामने तो हो जाती है बात।